everyone, welcome to Rosina Ma'am's English classroom. Today, in this video lesson, we are going to understand 1.3, the Cope and the Anthem, with word-to-word explanation in English as well as Hindi. इसके पहले वीडियो में हमने इस लेसन की समरी शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश और हिंदी में समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वो लेसन भी ज़रूर देखिए। आज हम ये चैप्टर इंग्लिश में रीड करके उसको हिंदी में समझाएंगे। जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स हैं उसका मीनिंग यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये सब आप अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक और नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आप इस स्टोरी को कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह आपको ये लेसन बेस्ट समझ में आ जाएगा, आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। पूरा वीडियो लास्ट तक अच्छे से एक्टिवली देखिए और समझिए। इस वीडियो लेसन में हम लर्निंग टेक्निक्स स्टडी मेथड्स का यूज करेंगे ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। सो लेट्स स्टार्ट द कोप एंड द एंथम। कोप मीन्स पुलिस एंड एंथम मीन्स प्रेयर। एंथम द म्यूजिक प्लेड बाय द ऑर्गेनिस्ट इनसाइड द चर्च। फर्स्ट लेट्स हैव इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर। दिस लेसन इज रिटन बाय ओ हेनरी। अब हम टेक्स्ट बुक में से इंग्लिश में रीड करेंगे। आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए पेज नंबर 28 और फिंगर रखिए जहां हम रीड करें। अगर आप मोबाइल पे कंफर्टेबल है तो ठीक है, मोबाइल पे देखिए, अदरवाइज योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज प्रेफरेबल। ओ हेनरी 1862 to 1910 विलियम सिडनी पोर्टर एन अमेरिकन राइटर is better known by his pen name O. Henry. O. Henry ये उनका pen name, nickname है। उनका real name है William Sidney Porter। उनका जन्म 11th September 1862 को हुआ और death 5th June 1910 को। वो American writer है। He was a voracious reader since childhood. He started a humorous weekly, The Rolling Stone, and when the venture failed, he joined the Houston Post as a reporter, columnist, and occasionally cartoonist. उन्हें रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो बचपन से बहुत रीडिंग करते थे। उन्होंने रोलिंग स्टोन ये वीकली मैगजीन स्टार्ट करे, बट वो ज़्यादा चली नहीं। फिर उन्होंने हाउस्टन पोस्ट ये न्यूज़पेपर ज्वाइन करें और एज अ रिपोर्टर, कॉलमनिस्ट और कार्टूनिस्ट उसमें काम करें। उन्होंने अबाउट 600 स्टोरीज लिखे हैं, जिनमें से अपने स्कूल सिलेबस में भी पढ़े हैं, जैसे द गिफ्ट ऑफ मजाय और द लास्ट लीफ। द स्टोरी द कोप एंड द एंथम इज वन ऑफ ओ हेनरीज वेल नोन स्टोरीज। The Cope and the Anthem ये उनके famous story है। To describe his style of writing, people have often used the term smile with tears, which implies his twisted way of thoughts and ending in almost every story. Henry के बारे में लोग कहते हैं कि इनके लिखने का अंदाज smile with tears है। Smile means मुस्कुराहट और tears means आंसू। यानी इनके हर स्टोरी के स्टार्ट में हमारे फेस पर स्माइल रहती है, लेकिन स्टोरी के एंड में ट्विस्ट आ जाता है जिससे हम सैड, उदास हो जाते हैं। इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर सोपी इज अ वैगेबॉन्ड एंड अ पर्सन विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड। ही मेक्स डिफरेंट प्लान्स टू री एंटर द प्रिजन एज ही हैज नो शेल्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ From the severe winter. The Cope and the Anthem, इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सोपी। वो एक बेघर बेरोजगार इंसान है और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। छोटी छोटी चोरी और गलतियां करके वो जेल जा चुका है। इस स्टोरी में
वो अलग अलग प्लान बनाता है फिर से जेल में जाने के लिए, क्योंकि इस कड़ाके की सर्दी से खुद को बचाने के लिए उसके पास कोई सहारा नहीं है। द स्टोरी एंड्स इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। ओ हेनरी हैज डिपिक्टेड सोपीज फ्यूटल अटेम्प्ट्स टू गेट अरेस्टेड इन अ वेरी ह्यूमरस वे। स्टोरी का एंड जो है वो कुछ अलग ही होता है। ओ हेनरी ने बहुत ही मजाहिया अंदाज में सोपी की जेल जाने की नाकाम कोशिशों को बयान किया है। द कोप एंड द एंथम इज अबाउट फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट। इनिशियली सोपी फील्स दैट देयर इज फ्रीडम फ्रॉम मिजरी एंड वरीज इन कन्फाइनमेंट प्रिजन। द नोट्स ऑफ एंथम ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम विथ इन एंड ही रिजॉल्व्स टू वर्क हार्ड। Soapy faces the irony of fate. As the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life, he is taken into confinement. The cope and the anthem, ये आजादी और खैद के बारे में है। पहले Soapy को लगता है कि जेल में जाने से सब मुश्किलों और परेशानियों से आजादी मिलेगी। Anthem सुनने के बाद वो अंदर से बदल जाता है। वो अब मेहनत करके ज़िंदगी गुजारने की ठान लेता है। लेकिन सोपी की किस्मत देखो, जब उसे एहसास होता है कि सच्ची आज़ादी सही ज़िंदगी गुजारने में है, तभी उसे जेल हो जाती है। इस स्टोरी में जिस आइलैंड का जिक्र हुआ है जहां सोपी जाना चाहता है, वो है ब्लैकवेल्स आइलैंड, जिसे अब रूजवेल्ट आइलैंड कहा जाता है। ये एक छोटा सा आइलैंड है न्यूयॉर्क सिटी में ईस्ट रिवर पर। इस आइलैंड पर रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्रिजन, ल्यूनेटिक असाइलम, चैरिटी हॉस्पिटल वगैरह है। अब हम एक्चुअल लेसन स्टार्ट करते हैं, द कोप एंड द एंथम। अपनी फिंगर रखिए टेक्स्ट बुक पर। आई एम रीडिंग इन इंग्लिश फर्स्ट। सोपी लेफ्ट हिज बेंच एंड स्ट्रॉल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flowed together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. Story के start में सोपी bench पर बैठा हुआ है। वो bench को छोड़कर काहली से उठता है और sea of asphalt के उस पार जाता है जहां Broadway और First एवेन्यू रोड है। देखो यहाँ पे सी ऑफ एस्फेल्ट कहा गया है, यानी बहुत बड़ी रोड, तो रोड के उस पार जाता है। एक शानदार कैफे के पास सोपी रुकता है। कैफे मतलब ऐसी होटल जहाँ हल्के फुल्के स्नैक्स मिलते हैं, जहाँ हैवी खाना नहीं मिलता है। सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। He was shaven and his coat was trim and his nest bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. Soapy को full confidence है बॉडी के ऊपर के पार्ट पर। उसने चेहरा शेव किया है, उसका कोट साफ सुथरा है, ब्लैक बो टाई पहनी हुई है जो लेडी मिशनरी ने उसे गिफ्ट दी थी Thanksgiving Day पर। लेडी मिशनरी यानी जो चैरिटी के काम करती है, और थैंक्सगिविंग डे मीन्स फॉरेन कंट्रीज में ये मनाया जाता है नवंबर महीने के फोर्थ थर्सडे को। इस दिन वो चैरिटी करते हैं, गिफ्ट देते हैं, खाना खिलाते हैं। नेक्स्ट, इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनएक्सपेक्टेड सक्सेस वुड बी हिज। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबाउट द टेबल would raise no doubt in the waiter's mind. अगर वो किसी तरह होटल के टेबल तक पहुँच जाता तो उसे कामयाबी मिल जाती। टेबल के ऊपर से उसका जो हिस्सा नज़र आता उससे वेटर के मन में कोई डाउट नहीं आता। A roasted mallard duck, thought Soapy, would be about the things with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar.
$1 for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management. And yet, the meat would leave him filled and happy for the journey of his winter island. Soapy sochta hai ki wo wahan bhuni hui malad duck khayega. Malad duck yane green color ke neck wali ek bahut mehengi duck hoti hai. Wo. A bottle wine piyega. Phir thoda cheese, ek cup coffee aur ek cigarette lega. Cigarette ke liye $1 kafi hai. Pura total bill itna zyada bhi na ho ki cafe management usse zyada badla ya punishment na de. Aur is tarah meat khakar wo khushi se apne jail ke safar par jayega. Yahan winter island yani jail, prison ko kaha gaya hai. But as Soapy set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. Strong and ruddy hands turned him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the menaced malad. Lekin jaise hi Soapy restaurant mein khadam rakhta hai, वहाँ एक हेड वेटर की नज़र उसके फटे पुराने ट्राउज़र मींस पैंट और ख़राब जूतों पर पड़ती है. हेड वेटर सोपी को खामोशी से समझाता है और अपने मजबूत हाथों से उसे बाहर निकाल देता है, मानो जैसे उसने एक महंगी मलाड को फ्री में खाकर उस डक की इंसल्ट होने से बचा लिया. सोपी का जेल जाने का ये प्लान, ये कोशिश फेल हो जाता है. आज के दिन बस यहाँ तक पढ़ते हैं. अब अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स कीजिए. इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे. आप ये वीडियो बार बार देखिए. यहाँ हमने हर वर्ड का ट्रांसलेशन किया है. इस स्टोरी में यूज़ किए गए वोकैबलरी और सेंटेंसेस को अच्छे से समझिए. आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाने समझाने के लिए हमने जो इतनी मेहनत की है, अगर आपको वो पसंद आती है तो नीचे लाइक पर ज़रूर दबाइए. डेफिनेटली हम ये लेसन सबसे ईजीएस्ट मेथड तरीके से पढ़ा रहे हैं. अब आप कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस लेसन मैम सिर्फ इतना मत लिखिए. पूरा वीडियो लेसन देखते वक्त आपको कैसा लगा, आपके क्या डाउट्स है वो सब लिखिए, ठीक है. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भी दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लेसन मिल सके. आगे देखते हैं कि जेल में जाने के लिए सोपी क्या क्या कोशिश अटेम्प्ट करता है. क्या सोपी की विश पूरी होती है, जानने के लिए देखते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट. ऑफ कोर्स उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. वीडियो लेसन देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है. पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, द कॉप एंड द एंथम. जी हाँ, कोप नहीं, कॉप प्रोनाउंस कीजिए. कॉप मींस पुलिस. कीप टॉकिंग इन इंग्लिश, हैव अ ब्लिसफुल डे एंड टेक केयर.